Hello students, I hope you all will be fine. In our previous lecture, we had discussed from the beginning of time. कल हमने अपना first chapter पढ़ा था from the beginning of time, जिसमें हमने हमारे ancestors के बारे में पढ़ा था. हमने ये जाना था कि primates कौन थे, वो कब land पर exist करने लगे, hominoid क्या होते हैं, hominids क्या होते हैं, homo कौन थे, Australopithecus के बारे में हमने कुछ gain किया था. ये जो आपका चैप्टर है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, ये चैप्टर आपका 2021 वाले सेशन से डिलीटेड चैप्टर है, इसलिए हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट ही किया था. आज जो हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ. ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो बुक मैंने आपको कल बताई थी, एनसीईआरटी बुक लेनी है आपने हिस्ट्री की, उस बुक के अकॉर्डिंग ये आपका सेकंड चैप्टर होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा. अब हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ राइटिंग एंड सिटी लाइफ, दैट इज़ लेसन नंबर 2 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. हेयर राइटिंग रेफर्स टू राइटिंग स्किल. राइटिंग स्किल्स मीन द वे ऑफ राइटिंग, किस तरह से आप लिखते हैं, दैट इज राइटिंग स्किल. एंड सिटी लाइफ मीन्स लाइफ एग्जिस्ट इन सिटीज. यहाँ इस चैप्टर में हम जिसकी बात करेंगे वो पूरी की पूरी जो सिटी होगी, या हम पूरा का पूरा जो एरिया कहेंगे वो कहेंगे मेसोपोटामिया का. मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन थी, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है. सबसे पहले मैं आपको सिविलाइजेशन का मीनिंग बताती हूँ कि सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है. सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल, या हम इन्हें सोसाइटी भी कह सकते हैं, हैविंग देयर ओन कल्चर. एक ऐसा लोगों का झुंड या एक ऐसी सोसाइटी जिनका खुद का कोई कल्चर होता है, दैट इज़ सिविलाइजेशन. मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन का नाम है, ये एक सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मानी गई है. मेसोपोटामिया जो वर्ड है वो टू वर्ड्स से बना है, और वो जो टू वर्ड्स हैं वो ग्रीक लैंग्वेज के टू वर्ड्स हैं, दैट इज़ मेसो प्लस पोटामिया. मेसोपोटामिया इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड हेयर. मेसो मीन्स बिटवीन एंड पोटामिया मीन्स रिवर. मेसोपोटामिया मीन्स बिटवीन रिवर, मतलब एक ऐसा एरिया जो रिवर्स के बीच में लाई करता था. अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये कैसा एरिया था और ये दिखता कैसे था. ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, आज के टाइम में ये इराक कंट्री में एग्जिस्ट करती है. ये एक ऐसा एरिया है जो दो रिवर्स के बीच में लाई करता है, जिसको हम आइलैंड भी कह सकते हैं. एक ऐसा रीजन, ये दो रिवर्स कौन सी थी, अब हम उसके बारे में भी बात करेंगे. ये जो एरिया था वो एक क्रेसेंट टाइप का शेप में था. क्रेसेंट मींस दूज का चांद, यानी आधा चांद जिसको हम कहते हैं, लाइक दिस. इसके इस साइड पे जो एक रिवर जाती थी और इसके इस साइड पे भी एक रिवर, और ये दोनों रिवर यहाँ जाकर मिल जाती थी. ये जो रिवर थी, इस रिवर को हम यूफ्रेटिस रिवर कहेंगे, और ये जो रिवर थी इस साइड, दिस साइड, दैट इज टाइग्रस रिवर. और ये जो एरिया था ये है मेसोपोटामिया का एरिया.
आज के टाइम में इसको इराक का एक पार्ट माना जाता है, दैट इज नाउ अ पार्ट ऑफ इराक। अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे कि जो मेसोपोटामिया का जो रीजन था वो क्या था, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीजन बिटवीन यूफ्रेटिस एंड टाइग्रस। यूफ्रेटिस जो रिवर थी वो वेस्टर्न एशिया की रिवर थी। एशिया तो आपको पता ही होगा क्या है, एशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें इंडिया कंट्री लाई करती है। अब इसका जो नॉर्थ पार्ट है, मैं एक बार यहाँ से क्लियरली बता देती हूँ फिर से बना के, दैट इज शेप ऑफ क्रेसेंट, दैट इज वन रिवर एंड दिस इज अनदर रिवर, बोथ आर मेट हियर। इसका जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ पार्ट, इस पार्ट को हम नॉर्थ पार्ट के इस रीजन को हम असीरियन के नाम से जानते हैं, एंड जो इसका साउथ पार्ट होगा दैट वन इसको सुमेर के नाम से जाना जाता है, या हम इसे अक्कड़ भी कहते हैं, अक्कड़। लेटर ऑन इसका क्या नाम रख दिया गया था, बेबीलोन या बेबीलोनिया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एक ये रीज़न था, लैंड सरफेस था जो क्रेसेंट की शेप में था, जिसको हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। ये दो रिवर्स के बीच में लाई करता है, ये जो रिवर है दैट इज़ यूफ्रेटिस एंड दिस वन इज़ टाइग्रस। इस रीजन का जो नॉर्थ पार्ट है इसको हम असायरन कहेंगे, एंड इसका जो साउथ एरिया है या साउथ रीजन है उसको हम सुमेर या अक्कड़ के नाम से जानते थे, लेकिन आज के टाइम में उसको बेबीलोन या बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर में हम फोर सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ उर, उरेक, बेबीलोनिया एंड लास्ट वन इज़ मर। ये जो फोर सिटीज़ हैं, ये फोर सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, ये ऐसी सिटीज़ हैं जो मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को डिफ़ाइन करती हैं। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन को डिफ़ाइन करती है। अब ये इतनी फेमस सिविलाइजेशन क्यों मानी गई है, ये एक ऐसी सिविलाइजेशन है जहाँ पर सबसे पहले राइटिंग स्किल्स मिली थी किन्हें, रिसर्चर्स को, जिनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। फर्स्ट रीज़न कि यहाँ पर राइटिंग स्किल्स मिली थी, एंड सेकंड वन इज़ यहाँ पर सिटीज़ देखी गई। सिटीज़ का मतलब हम क्या लेंगे, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, वट एवर मटेरियल इज़ यूज्ड। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो सबसे फेमस और सबसे पुरानी सिविलाइजेशन क्यों मानी गई है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले राइटिंग स्किल्स मिली थी और सिटीज़ मिली थी। गांव के जो पहले घर हुआ करते थे वो मिट्टी के बने हुए होते थे। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहाँ पर ब्रिक बिल्ट बिल्डिंग्स पाई गई, इसलिए यहाँ की सिविलाइजेशन काफ़ी फेमस मानी गई है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यानी कौन से ऐसे सोर्सेज थे जिससे हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। मेनली तो वही बिल्डिंग्स, कौन सी बिल्डिंग्स, ब्रिक बिल्डिंग्स, और क्या मिले, ग्रेव्स मिले यानी कब्र जिसमें डेड बॉडी को दफनाया जाता है, ऑर्नामेंट्स यानी कुछ गहने वगैरह मिले, करेंसी यानी उनकी कोई मुद्रा मिली, राइटिंग स्किल्स,
यानी राइटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले, जिससे पता चला कि राइटिंग वर्क भी वहाँ पर किया जाता था, यानी लोगों को वहाँ लिखना, लिखने की कला आती थी। टूल्स मिले यानी औजार मिले। सील्स मिले, सील्स मतलब कुछ स्टैम्प्स, मोहरे वगैरह जिसको हम कहते हैं, वो मिले। एंड मेनली वहाँ पर मिले सैंड, या हम कह सकते हैं क्ले टैबलेट्स। टैबलेट्स तो आप समझते ही होंगे, जो फ़ोन से बड़ा साइज़ में होता है और लैपटॉप से हमारे छोटे साइज़ में होता है, उस शेप के हमें क्या मिले, मिट्टी के टैबलेट्स मिले, जिनकी जो हाइट थी वो 3.5 सेंटीमीटर या उससे भी कम हाइट की थी। इन टैबलेट्स पे क्या हुआ था, राइटिंग स्किल्स मिली थी, यानी लोगों का कुछ लिखा हुआ मिला था। मेनली कुछ पिक्चर्स बनाई गई थी, वो पिक्चर्स किसकी थी, ऑक्स की, फिश की, फॉक्स की, ग्रेन की यानी अनाज की, नंबर्स थे, डिजिट्स थी, ये सारे सिंबल्स उसके ऊपर बनाए गए थे। तो किन किन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि ये मेसोपोटामिया नाम की एक कोई सिविलाइजेशन हुआ करती थी, दैट इज़ बिल्डिंग, जो ब्रिक बिल्ड थी। ये मेन पॉइंट है कि वो बिल्डिंग्स जो थी वो ब्रिक बिल्ड थी, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, सिटी नाम दिया गया। ग्रेव्स, ऑर्नामेंट्स, करेंसी, राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, टूल्स, सील्स एंड क्ले टेबलेट्स, जिनका साइज़ क्या हुआ करता था, 3.5 सेंटीमीटर और उससे भी कम हाइट में। और इन टैबलेट्स पे जो पेन यूज़ किया जाता था या जिससे वो लिखा जाता था, दैट इज़ वुड, लकड़ियों से लिखा जाता था। और क्या बनाया जाते थे, कुछ पिक्चर्स बनाई जाती थी, जैसे ऑक्स हो गई, फिश हो गई, फॉक्स हो गई, ग्रेन हो गए, नंबर्स हो गए। इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में राइटिंग स्किल भी डिफाइन की गई थी। सोर्सेज के बाद हम ये पढ़ेंगे कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी वो इतनी फेमस सिविलाइजेशन क्यों मानी गई। मेसोपोटामिया का जो डिस्क्रिप्शन है वो बाइबल के, यानी जो क्रिश्चियन लोगों की रिलीजियस बुक हुआ करती थी बाइबल, उसके फर्स्ट पार्ट में मेसोपोटामिया का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बाइबल का जो फर्स्ट पार्ट होता था उसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, यानी बाइबल के जो फर्स्ट पार्ट ओल्ड टेस्टामेंट में भी किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब ये कैसे पता चला कि जो बाइबल का फर्स्ट पार्ट था वो मेसोपोटामिया को डिस्क्राइब करता था, बाइबल के जो फर्स्ट पार्ट में थे वो ब्रिक बिल्डिंग्स को डिफाइन करते हैं। एंड जो बुक ऑफ जेनेसिस थी, GENESIS जेनेसिस, वो किसको रेफर करती है, रेफर्स टू सुमेर। मैंने आपको ऊपर बताया था कि सुमेर क्या है, एक पार्ट है मेसोपोटामिया के साउदर्न रीजन का, तो वो किसको बताती है, सुमेर को डिफाइन करती है, जिसको उस बुक में क्या नाम दिया गया है, शिमर नाम दिया गया है। मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन एक बहुत ही फेमस सिविलाइजेशन मानी गई है। क्यों मानी गई है, क्योंकि जो बाइबल का फर्स्ट पार्ट है उसमें भी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया गया है। ये कैसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का ही डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि उस डिस्क्रिप्शन में ब्रिक बिल्डिंग्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और बुक ऑफ जेनेसिस भी किसको रेफ़र करती है, शिमर को रेफ़र करती है, जो साउदर्न रीजन है सुमेर, किसका, मेसोपोटामिया का। और किस वजह से मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन फेमस थी, कहते हैं कि जो आज हमें पता है, जैसे डे नाइट का हमें स्ट्रक्चर पता है कि डे नाइट क्यों होता है, मैथ्स के बारे में हमें पता है, डिजिट्स, नंबर्स, इन चीज़ों के बारे में हमें पता है, जियोग्राफी, जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में बहुत पहले से ही डिस्क्राइब कर दी गई थी। और वो जो टाइम पीरियड माना गया है, वो टाइम पीरियड माना गया है 50 200 ईयर्स अगो का, यानी
52 इयर्स अगो भी ये सारी चीज़ें पहले लाई करती थी, डे एंड नाइट क्या होता है, मैथ्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, जियोग्राफी क्या होती है, जियोग्राफिकल एरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन ने पहले से ही डिस्क्राइब करती थी। और मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है, माना जाता है कि वो 3200 BCE की सिविलाइजेशन है। जो ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स हैं यूरोप के, यानी यूरोपियंस ट्रैवलर एंड स्कॉलर्स, वो मेसोपोटामिया को किस नज़रिए से देखते हैं, वो एंसेस्ट्रल लैंड के नज़रिए से देखते हैं, वो उस चीज़ को अपनी पूर्वजों की लैंड मानते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है वो बाइबल में दिया गया है। इस बात को किसने प्रूफ किया? इस बात को आर्कियोलॉजिकल वर्क ने प्रूफ किया। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब वहाँ रिसर्च वर्क शुरू की तो उन्होंने ये पाया कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है वो वैसी ही सिविलाइजेशन है जैसी कि बाइबल डिस्क्राइब करती है। ये था आज का सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके सेकेंड चैप्टर का, दैट इज़ राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जिसमें हमने मेनली मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को फोकस किया। इस चैप्टर में हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को ही पढ़ेंगे। कल हम थोड़ा सा मैप वर्क देखेंगे कि कैसे मैप में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दिखती है, कौन सी रिवर कैसे है और कौन ये कैसे लाई करता है। थोड़ा सा मैप वर्क करेंगे। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो अबाउट दिस। थैंक यू।